हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी। आप सभी का स्वागत है। अपनी जो सीरीज चल रही है जिसका टारगेट है कि कंप्लीट राजस्थान जीके को कवर किया जाए, जिसके अंदर हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर, आर्ट्स सब कुछ हो, उसका आज हम देखते हैं पार्ट टू। और इसके अंदर हम देखेंगे राजस्थान का जो कुछ परिचय का पार्ट शेष रह गया था वो देखेंगे, और साथ साथ में हम इसमें कवर करेंगे राजस्थान के एकीकरण को। तो हम देखते हैं अपने पहले क्वेश्चंस। जो राजस्थान का परिचय से संबंधित कुछ क्वेश्चन बच गए थे उनमें से पहला क्वेश्चन है आज का, सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला कौन सा है राजस्थान में? आंसर हो जाएगा गंगानगर। राज्य का सर्वाधिक आर्द्र जिला, सबसे आर्द्र जिला है झालावाड़। अगर सर्वाधिक आर्द्र स्थान पूछे, जिला हो गया झालावाड़ और स्थान पूछे तो माउंट आबू अपना आंसर हो जाएगा। राज्य का सबसे शुष्क स्थान है फलौदी, स्थान देख ध्यान देना स्थान है फलौदी, ये कहाँ पे? जोधपुर में। सर्वाधिक प्रतिभूमि वाला जिला जोधपुर। सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी। कितनी है? 965 किलोमीटर, ध्यान देना 965 किलोमीटर। राजस्थान की जो सबसे बड़ी व निरंतर बहने वाली नदी, सबसे बड़ी और निरंतर कंटिन्यू बहने वाली नदी है चंबल नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल हमने देखा था कल 342,239 वर्ग किलोमीटर। राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 826, पूर्व से पश्चिम की बात करें तो 869। क्षेत्रफल देश का 10% है। दृष्टि से राज्य का देश में स्थान प्रथम है। आकृति विषमकोणीय चतुर्भुज। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर और सबसे छोटा जिला धौलपुर। धौलपुर है 30-33 वर्ग किलोमीटर और यह 38,401 वर्ग किलोमीटर। राज्य का जो नव गठित 33वां जिला है वो प्रतापगढ़ है। 1 अप्रैल 2018 को गठित किया गया और कमेटी पूछी आपसे तो परमेश चंद्र कमेटी की सिफारिश पर। और इसका जो हुआ था घोषणा वो कब हुई थी? 26 जनवरी 2008 को वसुंधरा राजे के द्वारा घोषणा की गई। राज्य का सबसे नवीनतम संभाग यानी जो 7वें नंबर का वो कौन सा? भरतपुर है और सबसे छोटा भी है। भरतपुर सबसे छोटा संभाग भी है और ये कब बना? 4 जून 2005 को। राजस्थान की जनसंख्या पूछे 2011 के अकॉर्डिंग तो आपको बताना है कि 685.38 लाख, ये टोटल जनसंख्या राजस्थान की 2011 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके अंदर 685.48 लाख। साक्षरता दर पूछे राजस्थान की तो है 66.1%। पुरुषों की पूछे तो हो जाएगा 79.2% पुरुषों की ये होगी। और सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान इंडिया के अंदर। महिलाओं की साक्षरता पूछे तो 52.1%। लिंग अनुपात पूछे तो 928। जनसंख्या घनत्व पूछे तो 200। नेक्स्ट बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर यानी 2001 से 2011 के अंदर एक दशक यानी 10 वर्ष में कितनी वृद्धि हुई? 21.31%। राज्य की सर्वाधिक तहसीलों वाला जिला कौन सा है? प्रत्येक तहसीलों वाले जिले हैं जयपुर। जयपुर सर्वाधिक तहसीलों वाले जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर, इन सब में 16-16 तहसीलें हैं। तो जयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, अलवर। सबसे कम तहसील वाला जैसलमेर। सर्वाधिक उपखंड वाला जिला भीलवाड़ा। सर्वाधिक पंचायत समिति वाला जिला उदयपुर और बाड़मेर। न्यूनतम उपखंड वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। जैसलमेर न्यूनतम उपखंड भी है और जैसलमेर के अंदर न्यूनतम तहसील भी है, तो जैसलमेर के अंदर दोनों ही कम है। और हनुमानगढ़ न्यूनतम पंचायत समिति, जैसलमेर में पंचायत समिति भी सबसे कम है, ग्राम पंचायत भी जैसलमेर में सबसे कम है। सर्वाधिक गांव किस में? गंगानगर, ध्यान देना सबसे ज़्यादा किस में? गंगानगर में। और सबसे कम किस में है? सिरोही। यहाँ पे जैसलमेर मत कर देना, देखो सबसे कम है गांव है सिरोही में। सर्वाधिक नगर पालिका व नगर निकाय झुंझुनू के अंदर है। विधानसभा सदस्य कितने? 200। राज्य में लोकसभा सदस्य कितने? 25। ये लोकसभा यानी जो एमपी बनते हैं, प्रधानमंत्री चुनते हैं वो। राज्यसभा हो गए 10, राज्यसभा सीट है 10, लोकसभा सीट है 25। लोकसभा वाली वो होगी जिनको डायरेक्ट जनता चुनती है, और राज्यसभा वो होगी जिनको विधायक चुनते हैं। विधानसभा ये जो चुने विधायकों में से सेलेक्ट होकर जाते हैं। राज्य का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है, ध्यान देना एक सदनात्मक है। राज्य की जो राजभाषा है वो हिंदी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो झालावाड़ है। न्यूनतम वर्षा वाला जिला जैसलमेर। और राज्य की जो प्राचीनतम पर्वत है वो अरावली है। सर्वाधिक आद्र हो गया झालावाड़, आद्र स्थान माउंट आबू, शुष्क स्थान फलौदी, गर्म स्थान चूरू, ध्यान देना गर्म स्थान है चूरू। लू और आंधी वाला जिला गंगानगर, ध्यान देना इसको लू और आंधी वाला जिला। सर्वाधिक लू और आंधी वाला जिला इसमें चूरू मत कर देना, तो आंसर हो जाएगा गंगानगर। सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है? माउंट आबू। ये किस में पड़ता है? सिरोही में, ध्यान देना काफ़ी बार इसको उदयपुर में करके आ जाते हो कन्फ्यूज होकर, तो माउंट आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही में पड़ता है। राज्य के सबसे नजदीक बंदरगाह, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांडला, गुजरात। भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। ये कहाँ है? जयपुर में, जयपुर के नागौर में, जयपुर नागौर में सांभर झील। राज्य में झीलों के खारेपन का मुख्य कारण क्या है? वो है टेथी सागर के अवशेष, टेथी सागर के अवशेष।
राजस्थान की जो मरुगंगा और जीवन रेखा या जो राजस्थान की नहर है वो किसे कहते हैं? वो कहते हैं इंदिरा गांधी नहर को। इसकी लंबाई ये हो जाएगी, इसका नाम परिवर्तन IGNP हो जाएगा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका कब किया गया? 2 नवंबर 1984। राज्य में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला है उदयपुर, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर, और न्यूनतम वाला चूरू। सर्वाधिक वन प्रतिशत, ध्यान देना, ये तो वन क्षेत्र और ये प्रतिशत में, वन प्रतिशत में पूछे तो आपको लगाना है करौली। नदियों की त्रिवेणी संगम कहाँ है? भीलवाड़ा, डूंगरपुर हुए स्वयंमाधोपुर में। वांगड़ व कांठल की गंगा किसे कहते हैं? माही नदी को कहते हैं। ताजे मीठे पानी की एशिया की सबसे बड़ी व विश्व की दूसरी बड़ी झील है कृत्रिम झील है वो है जैसमंद, और ये पूछा जाता है जैसमंद झील कहाँ है, तो आपको आंसर लगाना है उदयपुर में। राज्य की जो बारहमासी नदियाँ कौन सी है? एक तो चंबल, एक माही नदी। कर्क रेखा को दो बार पार करने वाली नदी कौन सी है? माही नदी। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा किसे कहते हैं? माही नदी को। सबसे ज़्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग, और जिला पूछे तो चित्तौड़गढ़। घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहते हैं? चंबल को। सर्वाधिक मात्रा में सतही जल वाली नदी कौन सी है? चंबल नदी। नेक्स्ट है कि राजस्थान के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान है, तो आपको आंसर बताना है तीन है। एक है रणथंभौर जो स्वयंमाधोपुर के अंदर है, दूसरा केवलादेव जो भरतपुर के अंदर है, और तीसरा लेटेस्ट है जो मुकंदरा कोटा और झालावाड़ के अंदर है। तो आंसर ये ध्यान में रखना मुकंदरा वाला। राज्य ये राष्ट्रीय उद्यान है, और टाइगर रिजर्व पूछे वो भी तीन है। एक है रणथंभौर वाला स्वयंमाधोपुर, दूसरा सरिस्का अलवर, और तीसरा मुकंदरा हिल्स, ये कहाँ है? कोटा झालावाड़ में। नव स्थापित जो नया वाला टाइगर रिजर्व है वो कौन सा? वो मुकंदरा हिल्स अभ्यारण्य है, जो नया लेटेस्ट। ये कब बना? ये 10 अप्रैल 2013। जंतु वाले कितने? 5, और जीवित कितने? 4। लुप्त कौन सा हो चुका? बीकानेर वाला। अखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन कितने? 33, और सर्वाधिक अखेट निषिद्ध क्षेत्र किस में? जोधपुर में, कितने? 7। अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने जिलों में फैला है? 17 जिलों में। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित राज्य के जिलों का उचित क्रम है, तो ये हो जाएगा गंगानगर, बाद में बीकानेर, बाद में जैसलमेर, और बाड़मेर, यानी 4 जिले। पाकिस्तान से लगती सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला जैसलमेर। राज्य से लगती सर्वाधिक लंबी सीमा वाला जिला, ध्यान देना राज्य से, वह है झालावाड़। सबसे कम लंबी राज्य सीमा किससे है? पंजाब से। सबसे लंबी, सर्वाधिक, सबसे कम होगी और सर्वाधिक लंबी होगी मध्य प्रदेश से 1600, और ये पंजाब से 89। वह जिला जिसकी सीमा सर्वाधिक जिलों से मिलती है वो जिला हो गया पाली। राजधानी जयपुर ही कब बनी? 30 जनवरी 1949। जिले 33 है, संभाग 7 है, और नगर निगम भी 7 है। नेक्स्ट है कि राज्य गीत कौन सा है? केसरिया बालम पदावरी हमारे देश, ये मांडगाय की गाय है। राज्य का जो राज्य पुष्प है वो है रोएडा। इसका अगर वनस्पति के नाम पूछ लिया आपसे तो ध्यान देना, रोएडा का जो वनस्पति का नाम है वो है टिक्कोमेला अड्डुलेटा, टिक्कोमेला अड्डुलेटा रोएडा का। राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसका जो वनस्पति का नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य पक्षी गोडावण है, और इसका आपसे पूछ लिया जो यह है क्रायोटिस नाइग्रीएसिप्स गोडावण का। राज्य पशु क्या है? चिंकारा, और इसका पूछ लिया आपसे तो यह हो गया गेजेला गेजेला। पशु श्रेणी में ऊँट हो जाएगा अपना, और जो वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा राज्य पशु। राज्य पशु दो है राजस्थान में, पशु श्रेणी में आए तो ऊँट, और जो जीव श्रेणी में आए तो चिंकारा। राज्य खेल के बास्केटबॉल, इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 5। रेगिस्तान का कल्पवृक्ष खेजड़ी, इसका जो वनस्पति का नाम होता है वो होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। राज्य में जो पशु संपदा 2012 की गणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कितनी है? इतने। राज्य में सर्वाधिक पशु घनत्व है 169, और जनसंख्या घनत्व है 200। सर्वाधिक कृषि क्षेत्र वाली फसल बाजरा। बंजर व व्यर्थ भूमि किसमें है? सबसे ज़्यादा जैसलमेर जिले में। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक सिंचाई कुओं व नलकूपों से होती है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई किससे होती है? कुओं और ट्यूबवेल, यानी नलकूपों से। कुओं व नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला जयपुर। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला गंगानगर। तालाबों से सर्वाधिक, ये सब कुछ आप देख लेना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा पशु घनत्व पूछे तो आपको 200 है राजसमंद में। न्यूनतम पशु घनत्व है जैसलमेर। राजस्थान की जो कामधेनु है वो राठीगाय है। भारत की मेरिनो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोकला बैड है। सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन वाला जिला जयपुर। सबसे कम दुग्ध उत्पादक जिला बांसवाड़ा। ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में। न्यूनतम ऊन उत्पादन करने वाला झालावाड़। एशिया की ऊन सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? बीकानेर। राज्य की एकमात्र दुग्ध विज्ञान तकनीकी महाविद्यालय कहाँ है? उदयपुर में, ये इंपॉर्टेंट है। थार का राज्य में मरुस्थली भाग कितने? 58%, ठीक है, कभी कभार 60% पे भी आ जाता है। राज्य की जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह हो गया माउंट आबू। सबसे कम जैसलमेर। सर्वाधिक गर्म स्थान चूरू। राज्य में पूर्ण भाव के आधार पर
पूर्ण भाव के आधार पर सबसे बड़ी नदी, पूर्ण भाव पूछा है, यहाँ ध्यान देना ही। तो आंसर हो जाएगा बनास। राज्य के जो पांच छोटी छोटी नदियों पर बना मिट्टी वो है पांचना बांध, और ये कहाँ पे है? करौली पे, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील है सांबर जयपुर में, और मीठे पानी की झील है जैसमंद उदयपुर में। सबसे ज़्यादा विद्युत किससे प्राप्त होती है राजस्थान के अंदर? ताप विद्युत, यानी जो थर्मल प्लांट्स हैं उनसे सबसे ज़्यादा बिजली मिलती है। और राजस्थान का जो पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो कौन सा है? सूरतगढ़ है, सूरतगढ़ वाला गंगानगर। और राज्य का जो तीसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है वो है अंता बारा में, और दूसरा है कोटा में। पहला सूरतगढ़ गंगानगर, दूसरा कोटा में, तीसरा अंता बारा में। राज्य की जो स्वयं की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना कौन सी है? गैस आधारित है रामगढ़ गैस परियोजना, गैस आधारित है रामगढ़ गैस परियोजना। राज्य का जो पहला व एकमात्र परमाणु शक्ति गृह है वह है रावतबाटा चित्तौड़गढ़। राज्य का जो पहला लिग्नाइट आधारित विद्युत गृह है वह है गिरल, ध्यान देना लिग्नाइट आधारित, पूछे तो गिरल लगाना है, ठीक है। और परमाणु यानी जो एटॉमिक वाला जिसमें यूरेनियम चाहिए वो कहें रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। राजस्थान की अणुनगरी किसको कहते हैं? चित्तौड़गढ़ को, ध्यान देना है आपको। यह है एटॉमिक वाला, तीन प्रकार के प्लांट है, एक तो जो थर्मल से चलता है, ये सब तीनों थर्मल वाले हो गए जो कोयले से बनते हैं, ये यूरेनियम वाला हो गया, और ये लिग्नाइट आधारित है जो कहें गिरल बाड़मेर में। नेक्स्ट है कि राजस्थान की जो प्रथम औद्योगिक नीति है वो है 24 जून 1978 को घोषित। औद्योगिक विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता द्वितीय योजना में दी गई। राज्य में औद्योगिक विकास पर सर्वाधिक व्यय है आठवीं योजना में। राज्य का प्रमुख उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राज्य में सर्वाधिक पंजीकृत फैक्ट्रियाँ जयपुर में हैं। राज्य में जो सर्वाधिक निर्यात होने वाली वस्तुएँ वस्त्र, और राज्य से सर्वाधिक निर्यात किसको होता है? अमेरिका को। राज्य का जो पहला शिल्प ग्राम है वह है हवाला गांव उदयपुर का। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल कौन कौन से जिले? पूरा अलवर जिला और भरतपुर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी जो NCR अपन बोलते हैं ना, दिल्ली वाला NCR, उसके अंदर अलवर है और भरतपुर शामिल है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन, आज हमने एक पार्ट कंप्लीट किया। इस पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो अपना काफ़ी लंबा हो रहा है, वीडियो को लंबा नहीं करना है, इंटरेस्ट बनाए रखना है अपने को। तो ज़्यादा लंबा होगा तो अपन अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे, तो आप मतलब पूरी राजस्थान को अपने को कवर करना है, और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम अच्छे से एकीकरण को समझेंगे, क्योंकि इसी में मिक्स कर देंगे तो अच्छे से समझ भी नहीं पाएंगे हम। तो इसको नेक्स्ट पार्ट में हम, पार्ट 3 आएगा उसमें जल्दी ही आपको कवर करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।